वेलकम टू माय चैनल रिच कुकिंग। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दाल बाटी चूरमा बनाना बता रही हूँ। आप बहुत सारी दाल के साथ बाटी खाते हो, जैसे चने की दाल, उड़द वो तुअर की दाल, मूंग की दाल, बहुत सारी दाल के साथ बनाते होंगे। आज मैं आपको डिफरेंट स्टाइल की दाल के साथ बाटी बनाना बता रही हूँ। मेरी मम्मा ऐसी ही बनाती है, ये मम्मा की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। बाटी का आटा लगाएंगे। इसमें हमने 2 कप आटा लिया है। इसमें हम 3/4 कप सूजी डाल रहे हैं। सूजी डालने से ये एकदम खस्ता बनती है, क्रिस्पी ऐसे थोड़ी अच्छी बनती है। पहले का क्या होता था कि पहले आटा मोटा होता था तो लोग मोटे आटे से बाटी बनाते थे, तो उसमें फिर सूजी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अभी हमको मोटा आटा मिलता नहीं है तो हम इसमें सूजी डालते हैं तो उसका वही टेक्स्चर आ जाता है। 1 चम्मच इसमें हम नमक डालेंगे। 1/4 हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे और हमने 1/2 कप के करीब घी लिया है। घी हम देखेंगे, अगर हमको और ज़रूरत लगेगी तो हम और डाल देंगे थोड़ा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आटे का ऐसे होना चाहिए, इतना हमको घी डालना होता है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और आटे को गूंध लेंगे। आटा हमारा गूंध चुका है, आटे को हमने टाइट ही गूंदा है। इसको हम 15 से 20 मिनट तक छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें हमने सूजी डाली है ताकि वो सूजी अच्छे से फूल जाए। अब इसको हम ढक के रख देते हैं। जब तक हमारा ये आटा होता है तब तक हम आओ चलो दाल बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए हमने लिया है 1 कटोरी, हमने ली है उड़द की छिलके वाली दाल और 1/2 कटोरी लाल मसूर की दाल। अब इसको हम अच्छे से धो लेंगे, इसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे और फिर हम इसको कुकर में डाल देंगे। हमने 4 से 5 बार अच्छे से धो लिया है। अब हम इसको एक कुकर में डाल देंगे। और इसमें हमने 4 से 5 कप पानी डाल दिया है। अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे और कुकर को हम बंद करके रख देंगे और इसमें हम 2 सीटी लगा लेंगे। सबसे पहले हम अब इसके तड़के की तैयारी करते हैं। तो हम इसमें पहले घी डालेंगे। आप चाहे तो इसका तड़का तेल में भी लगा सकते हैं। अब हम पहले इसमें घी डाल देते हैं और घी को हम गर्म होने देंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। अब हम इसमें हमने लहसुन ले लिया है, 10 से 12 कलियां लहसुन को बारीक काट लिया है और इसमें अब हम लहसुन डाल देंगे। एक हमने हरी मिर्च को बारीक काट लिया है, हरी मिर्च डाल रहे हैं। एक इंच हमने अदरक को ग्रेट कर लिया है, ये अदरक डाल दें इसमें और इन तीनों को हम अच्छे से भून लेंगे। अब हमने इसमें 2 बड़े प्याज काटे हैं बारीक, उसको डाल लेंगे।
लाल होने देंगे। इसमें हम आधा छोटा चम्मच इसमें हम हींग डाल रहे हैं। हींग डालने से ये दाल डाइजेस्ट हो जाती है और इसको भी हम प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे। प्याज हमारे हल्के लाल हो चुके हैं। अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे एक चम्मच, क्योंकि इसमें हमने हरी मिर्च भी डाली है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और अब हम इसमें हमने दो बड़े टमाटर काट लिए हैं, अब इसमें हम टमाटर भी डाल देंगे और टमाटर को हम सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। देखिए टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें हमारी दाल भी उबल चुकी है, अब इसमें हम दाल डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको अभी हम 10 मिनट तक ढककर रख देंगे और फिर हमारी दाल तैयार हो जाएगी। ये लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और ये हमारी दाल बनके रेडी हो चुकी है। ये देखिए, अब इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे। और ये हमारी दाल बनकर तैयार हो चुकी है। ये 20 मिनट हो चुके हैं, ये हमारा आटा अच्छे से हो चुका है तैयार। अब हम इसकी बाटी बनाते हैं। ये देखिए, और इसमें हम थोड़ा सा ऐसे कर देंगे और ये हमारी बाटी बन चुकी है। इस तरह से हम सारी बाटी बना देंगे। हमारी बाटियां बन चुकी है, अब इसको हम सेकते हैं। बस इस टाइप का गैस तंदूर है बाटी सेकने के लिए। अगर आपके पास नहीं हो तो आप अपम स्टैंड में भी सेक सकते हैं और माइक्रोवेव कन्वेक्शन में भी सेक सकते हैं। मैंने आपको स्टफ्ड बाटी वाली वीडियो में माइक्रोवेव कन्वेक्शन में बाटी कैसे सेकते हैं वो सिखाया था, तो अगर आपको देखना हो तो आप उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप उसमें से देख लीजिएगा। आप इसको कढ़ाई या कुकर में भी रख सकते हैं, बना सकते हैं। कुकर में एक स्टैंड रखकर और थाली में ग्रीस कर और आप बाटी को रख सकते हैं और उसको बना सकते हैं। या फिर आप अपम स्टैंड पर भी थोड़ा सा घी या तेल से ग्रीस करके और बाटी को उलट पलट करके बना सकते हैं। अब हम इसमें सारी बाटी रख देंगे। और इसको अब हम बंद कर देंगे और इसको अब हम 10-15 मिनट तक पकने देंगे एकदम लो फ्लेम पर। फिर हम इसको चेक करेंगे और फिर इसको पलट देंगे। साइड से बाटी अब हम पलट देंगे, ये थोड़ी थोड़ी सीख चुकी है। ऐसे उलट पलट करके हम बाटी को सेक लेंगे। हमने उलट पलट करके हमारी बाटी बनकर रेडी हो गई है। ये देखिए, दोनों साइड से हमारी बाटी सीक गई है। गरम कर लिया है, अब इस घी में हम ये बाटी को डाल देंगे।
और इसको हम अच्छे से कर लेंगे घी के अंदर, और ये हमारी बाटी बनकर तैयार हो गई है। साथ हमने लहसुन की चटनी बनाई है, गार्लिक चटनी। अगर आपको इसको बनाना सीखना है कि ये हमने कैसे बनाई है, तो आप मैं आप इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप उसमें देख लीजिएगा। ये चटनी दाल बाटी के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। चूरमा के लिए हम बाटी ले लेंगे, और बाटी को हम इसमें मिक्सर ग्राइंडर में छोटे छोटे टुकड़े करके डाल देंगे, और इसको हम पीस लेंगे। पीस लिया है इसको, एकदम बारीक नहीं पीसना है, मिक्सी को बस एक दो बार चलाना है और ये आपका पीस जाएगा। कढ़ाई लेंगे, उसमें हम एक चम्मच ही घी डालेंगे, क्योंकि इसमें बाटी में भी घी होता है। और अब इसमें हम ये डाल देंगे, इसको हमको लो फ्लेम पे भूनना है। इसको भूनने में बहुत देर नहीं लगती, 5 से 10 मिनट अच्छे से भून लेना है, क्योंकि हमारी बाटी पहले से ही सीकी हुई है। ये देखिए ब्राउन कलर आ गया है इसमें, और ये हमारा भून चुका है अच्छे से। अब हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे, और अब हम गैस को बंद कर देते हैं। शक्कर हम इसको ठंडा हो जाएगा तब डालेंगे, अगर हम गरम गरम में शक्कर डालेंगे तो शक्कर इसमें जम जाएगी, इसलिए हमको इसको ठंडा करके शक्कर डालनी है। तो अब इसको हम ठंडा होने देते हैं। ये देखिए ये ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम आधा कप के करीब पीसी, आधा कप से कम है चीनी को हमने पीस लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, हमने भी अभी पूरा आधा कप नहीं डाला है। पहले हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम थोड़ी सी इसमें और डाल देंगे। ये हमारी शक्कर अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसमें हमने कुछ बादाम काट लिए हैं, वो डाल देंगे। और इसमें आप चाहें तो मिश्री के जो छोटे छोटे टुकड़े भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं डाल रही हूँ इसमें। ये हमारा चूरमा बनके तैयार हो गया है। ये हमारी दाल बाटी चूरमा चटनी सब बनके तैयार हो गया है। अब आप इसको खुद भी खाइए और सबको खिलाइए। अगर आपको इसी तरह नई नई रेसिपी सीखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।